ब्रदर का नाम सरवण सिंह है और ये अमृतसर चौगावा रोड कक्कड़ गांव के रहने वाले। इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है जे ब्रदर के जे इनके मैसेज है और इन्होंने बताया है कि इनकी मैरिज को 10 साल हो गए हैं और जब बता रहे कि उस समय से जे ब्रदर ड्रिंक का नशा करते थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक का नशा कर रहे थे। जब बता रहे कि रात दिन जे ड्रिंक का नशा करते थे जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान हो चुकी थी और जे बता रहे कि सुबह के समय लोग चाय पीते थे और जे ड्रिंक का नशा करते थे। और जे सिस्टर ने बताया कि इन्होंने बताया कि एक दिन मैंने मन बना लिया कि मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी क्योंकि जे बहुत परेशान हो चुके थे नशे के कारण। इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई क्लेश रहता था और जे बता रहे कि इनके जे ब्रदर राजमिस्त्री के ठेकेदार थे और इनके घर में पैसे तो बहुत ज्यादा आते थे पर इनके घर में बरकत नहीं थी। जब बता रहे कि जे बहुत परेशान हो चुके थे और जब बता रहे कि जिसके कारण जिन्होंने बताया कि कब इनके घर में कोई भी कन्वेंस नहीं था। जब बता रहे कि जिस जे ब्रदर जो ठेकेदार थे राजमिस्त्री के तो जो इनकी लेबर थी और जो बता रहे कि उनके पास भी कन्वेंस थे पर जो 10 सालों से काम कर रहे थे पर आज तक इनके घर में एक साइकिल तक भी नहीं था और जिसके कारण जे जे बता रहे कि काफी प्रॉब्लम में थे और इनके घर में बरकत नहीं थी इतने पैसे आने के कारण भी। और जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे जे फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबर्ट मिनिस्ट्री में 9 दिसंबर की मीटिंग में आए थे, जे फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में ही परमेश्वर ने इनको चुना था और जैसे जे मीटिंग में आए और इनको दुष्ट आत्मा का भी प्रभाव था और जैसे ही जे मीटिंग में आए और प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड हुई। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। उठाओ 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 उठाओ, चल शैतान इसके जीवन से भी आउट। शट, चल छोड़ इस बच्चे को शैतान, आउट आउट पूरी तरह से। शट, छोड़ 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 से, चल छोड़ आउट 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 आउट, चल पूरी तरह से इसके जीवन से उखड़ जा, उखड़ आउट, फ्री फ्री। और जब बता रहे कि जैसे इनके लिए लैंड हुई और जब बता रहे कि अभी इनको कुछ ही समय हुआ है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए और जब बता रहे कि परमेश्वर ने पूरी तरह से ड्रिंक के नशे से इनको आजाद कर दिया। जो 10 साल से बहुत ज्यादा नशा कर रहे थे आज परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से फ्री किया और आज इनके घर में बहुत ज्यादा बरकत भी परमेश्वर ने दिए। इनके घर में आज कोई लड़ाई क्लेश नहीं रहता, जो बहुत खुश है और आज परमेश्वर ने इनको बाइक के साथ भी ब्लेस किया है और जो बहुत खुश है कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। और सच मुझे परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। और देखो आमीन, 10 साल बाद कोई घर में ब्लेसिंग आई। हाँ बोलो क्या है? जो लोग आपके साथ काम करते उनके खुद के बाइक होते थे कि नहीं? जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की पापा जी, उन्होंने पास होते हैं मेरे पास। देखो जो इनके साथ लेबर, क्योंकि ये राजमिस्त्री का काम करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर है इस चीज के, बोलो क्या है, ठेकेदार हैं। तो जो लेबर हैं उनके पास खुद की कन्वेंस है और जो बंदा ठेकेदार है खुद उसके पास कुछ भी नहीं, फिर कैसे आप जाते थे उन्हीं के साथ? हाँ जी पापा जी। वो देखो, और 10 साल से कोई घर में आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं। हाँ, और 10 साल से कितना कलेश था। इनकी ये मिसेस बोल रही है कि मेरा मन था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आज देखो खुदा ने कैसे ही अपना स्वर्ग इनके लिए खोल दिया। क्या खोल दिया यार? खोल दिया। समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर सबको साथ करने वाला परमेश्वर, क्योंकि लिखा इस दुनिया में उसका ज्ञान ना होने से उसके लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे। एक दिन ये भी नाश हो रहे थे, बोलो क्या है, ये भी नाश हो रहे थे, पर एक दिन इनके पास गुड न्यूज कही। हाँ, इस सिस्टर की जो मदर है, हाँ वो विश्वास करते हैं और उन्होंने बताया और इन्होंने विश्वास किया। फिर क्या किया? विश्वास किया। और जैसे ही ये यहां पे आए हैं वो एक पाप, एक शराब
जो पाप का श्राप था ना, जो मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन देकर क्या किया, पूरी दुनिया को उससे क्या किया, मुक्त किया। तो ये आए और उसी दिन जब इनके ऊपर ले हैंड हुई और उस नशे की दुष्टात्मा से क्या मिला, छुटकारा मिला। और आज 10 साल बाद इन्होंने अपनी खुद की बाइक ली है, 10 साल बाद, समझे हो। और देखो, और नशा भी ऐसे नहीं कि सुबह से लोग चाय पीते हैं और ये नशा करते थे, मैं क्या कह रहा हूं, लोग चाय पीते हैं और ये नशा करते हैं। कैसे लोगों को शैतान ने इस दुनिया के अंदर कंट्रोल किया ना, क्या किया है? समझ आ रही है? पर परमेश्वर सबको क्या कर रहा है, आजाद कर रहा है। क्या कर रहे हैं? आज देखो इनका जीवन, बोलो क्या है, आज इनका देखो। और इसके लिए आप अभी आपने आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करेगा और बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। आप दोनों ने खुदा की हर आज्ञा को मानना है, क्या मानना है, उसकी हर आज्ञा को मानना है। छूछू वचन में परमेश्वर की आज्ञाएं उसे पूरा करना है, ये तो कुछ भी नहीं है। बोलो क्या है, अभी तो बाइक है, एक दिन खुद अपनी खुद की आप अपनी गाड़ी में आओगे। विश्वास करते हो? करते हो विश्वास? कैसा होगा? आप इनको दो, इनकी मिसेस को दो, बताओ अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं हूँ बहुत खुश हूँ, मैंने पूरा विश्वास हो गया कि जो ही परमेश्वर तो मांगते सानू देता है। क्योंकि सच्चा परमेश्वर कौन है, समझ आ गई ना, सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि बहुत साल ऐसे निकल के नहीं जानते थे, आज से नहीं पता चला कि सच्चा परमेश्वर कौन है। बोले क्या है, ये कुछ नहीं है, आपको परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और दुनिया वाले, आपके गांव वाले लोग आपके पास आएंगे कि आप कहां पर चले गए, ठीक है। और ऐसे होगा, इसके लिए आपने अभी और भी मेहनत करनी है, उसके हर एक नियम को, बोलो क्या है, उसके हर एक नियम को, उसकी आज्ञा को आपने पूरा करना है, ठीक है। परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अपनी गवाही सब लोगों को बताओ जो नहीं जानते, जो लोग और इस चीज का शिकार है, जिनकी जो औरों के बहनों के पति सेम आपके पति के जैसे, उनको बताओ जीवित परमेश्वर कौन है, जिसने मेरे पति को छुटकारा दिया वो तेरे भी देगा, ठीक है। अब ये गवाही औरों को भी बतानी है, ताकि औरों के भी जीवन बचे, औरों के लिए भी आपने प्रार्थना करनी है, ठीक है। अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हो, लोगों के लिए कि नहीं? हाँ जी करते हैं, आंध गवांड दा भला मांगते सारे दा, सब बचाए जाए। हाँ जी, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि वचन हमें ये बताता है कि ये जो सच्चाई है, देखा, सिर्फ अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की भी अब चिंता करो। क्या करो? दूसरों के हित भी क्या करो? चिंता करो, सिर्फ अपने के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, ठीक है। तो आप ब्लेस हो आज से, अपने बढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत खुश हो, क्या हो बोलो, बहुत खुश हो। ये पिछले थर्सडे में भी ये बाइक लेकर आए और ये शाम तक कम से कम ये 4:30-5 बजे तक सेवा कराते रहे। बोलो क्या, 5 बजे तक। मैंने पूछा लेट तो नहीं हो रहा, कहते अब कोई चिंता नहीं, बहुत खुश थे, कहते अब कोई चिंता नहीं। क्योंकि पहले ये बस से आते थे और जाते जाते इन्हें 7:30 ऐसे टाइम हो जाता था, काफी टाइम, और ये उस दिन पूरे 5 बजे तक सेवा कराते रहे। और ये कहते अभी कोई नहीं है, हमारा बस आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का, आराम से हम चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी है कि देखो, अगर परमेश्वर ने इनके लिए रास्ता खोला तो इन्होंने भी अपने मन को तैयार किया। ऐसा नहीं है कि बस हम भागें, जल्दी जल्दी भागें, अपना काम हो गया, भाग जाएं। हाँ, उस दिन ये पहले दिन ये बाइक लेकर आए और पूरे शाम तक ये सेवा कराते रहे, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। बस इसी रीति से परमेश्वर से बढ़ना, परमेश्वर आपके साथ है, आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तारीफ करो इस बात के लिए जोर से।